नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल, और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नई आफत पर। यह पाकिस्तान क्रिकेट की जो किस्मत है ना, वो अजीब ही है। पहले तो अपने से एक तिहाई अनुभवी बांग्लादेश की टीम से दो दो टेस्ट मैच हार गए, उसके बाद जो पीसीबी में सवाल और बवाल हो रहे हैं वो एक अलग इशू है, और अब जो नया इशू है, जो नई आफत है, वो ये कि पाकिस्तान में टेस्ट मैच कराने के लिए स्टेडियम ही नहीं है। अब बड़ी चौंकाने वाली ये बात है, लेकिन खबर आपको हम दिखा रहे हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने नई आफत है, इंग्लैंड सीरीज के मैच कराने के लिए स्टेडियम ही नहीं है। एक टेस्ट मैच को पाकिस्तान से बाहर कराने पर चर्चा शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के ज्यादातर स्टेडियम में चल रही है मरम्मत, और ये मरम्मत जो है वो चल रही है अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिहाज से। रेनोवेशन का काम चल रहा है, काफी धूल धक्कड़ तोड़ फोड़ ये सब कुछ जो है इस वक्त पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर चल रही है, और यही वजह है कि इंग्लैंड को जो टेस्ट सीरीज खेलना है उसमें जो तीन मैचेस हैं उसमें से एक मैच, अब ये शुरू हो गई है बातचीत कि वो एक टेस्ट मैच जो है वो कहीं बाहर करा लिया जाए। और कहीं बाहर जब पाकिस्तान कहता है तो उसके सामने पहला जो विकल्प होता है वो हमेशा यूएई होता है, यानी इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो चुका था श्रीलंका की टीम पर अटैक के बाद, तो एक तरीके से यूएई ही पाकिस्तान का होम ग्राउंड था, वहीं पर आकर विदेशी टीमें पाकिस्तान से खेलती थीं। अब ऐसी चर्चा शुरू हो चुकी है, कुणाल से बातचीत करेंगे जी। कुणाल देखिए, बड़ा टूर्नामेंट है, उससे पहले आपको स्टेडियम रेनोवेट करने हैं, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट की तारीख, उसका समय, उसकी मेजबानी, ये सब तो बहुत पहले से प्लान हो जाता है। यानी आपने, ये तो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना, ये तो जिन लोगों ने प्लान किया ये उनका प्रॉब्लम है ना। चलिए मान भी लेते हैं, हम सब अपने घरों में थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ का काम कराते हैं, आप अभी करा भी रहे हैं। मजदूर कहता है साहब 15 दिन लगेंगे, वो लगाता है 25 दिन, ये हमें भी पता है, लेकिन ये जब हम जानते हैं तो जो लोग स्टेडियम का रख रखाव कर रहे थे उन्होंने क्यों नहीं ये प्लान किया ऐसा कि ऐसा प्लानिंग करें कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले पहले जो सीरीज हैं वो भी हो जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी हो जाए। प्लानिंग में विशुद्ध रूप से फेलियर है ये। बिल्कुल जी, अब आप चाहते हो कि मैं मोहसिन नकवी की तरह बोलूं? तो उसका तो सीधा सा जवाब यही है कि जी पहले कोई और था, ठीक है, वो कोई और बैठा हुआ था चेयर के ऊपर, उसने प्लान नहीं किया, हम आए, हमने तो चीजें शुरू करी और उसके बाद जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम बेस्ट कर रहे हैं। खुद जाके उन्होंने एक फोटो भी खिंचवा ली थी स्टेडियम में, हाँ, जब रेनोवेशन का वर्क चल रहा था। तो ये अब जो चर्चा हो रही होगी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। भाई आपने तो बोला आईसीसी इवेंट की भाई तारीख मेजबानी आपको कब मिली है, आपको नहीं पता कि कब उसका जो है रेनोवेशन का वर्क शुरू होना चाहिए। उसके साथ में आईसीसी को आपका अपना एक एफटीपी देना पड़ता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जिसमें ये क्लियरली मेंशनड होता है कि कौन सी टीम आपके घर में कब आ रही है, आप विदेश में कब खेलने जा रहे हो। तारीखें नहीं भी मेंशनड हो तो महीना जो है वो मेंशनड होता है। तो आपको पता था कि भाई इंग्लैंड की सीरीज होगी, आपको पता है आपके पास बहुत सारे स्टेडियम्स नहीं है, या तो आप एक आधे स्टेडियम का इंतजाम, मेकशिफ्ट स्टेडियम्स का इंतजाम पहले से करते, या फिर आप इनका रेनोवेशन का वर्क जो है पहले से शुरू करते। अब दिक्कत क्या है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं, और जब पैसे होते नहीं है तो तमाम तरीके की बहानेबाजियां, तमाम तरीके के पेंच, तमाम तरीके के जिसे हम हिंदुस्तान में कहते हैं जुगाड़ लगाने की कोशिश की जाती है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, अब फिर ऐसा कर देंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। मगर ये फेलियर तो है ही। आपको पहले से पता था कि भाई स्टेडियम्स जो है वो आपको रेडी चाहिए, आपको पहले से पता था कि भाई इंग्लैंड की टीम आएगी, आपको पहले से पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का आयोजन होना है, और ये क्या पाकिस्तान के लिए खुद एज ए नेशन धक्का नहीं है कि भाई आप मरते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो, बोलते रहते हो कि हमारे यहाँ पर जो है टीमें आए, आप उनको बुलाते रहते हो, और जब वो टीम आ रही है दौरा करने के लिए सारे सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो है अपने, मतलब चलो एक तरीके से ताक पे तो नहीं कहेंगे, अपने अपने आप को सेटिस्फाई करके जब टीमें आना शुरू हुई हैं तो आप दोबारा से यूएई के पास चले जा रहे हो। यूएई की अपनी दिक्कतें हैं, वो भी आगे डिस्कस कर लेंगे कि भाई उनके वहाँ पर भी जो है T20 वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का होना है, वो वहाँ कहाँ से मैदान तुमको दे दें, उनके पास कौन से 10 मैदान हैं जो आपको मुहैया करा दें। तो ये सारी दिक्कतें पाकिस्तान के साथ चलती रहती हैं, और क्रिकेट टीम की दिक्कत एक है, जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगता है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही शुरू होती है, जहाँ पर क्रिकेट को समझने वाले लोग नहीं है, उनको ऐसा लगता है भाई ये पंजाब प्रांत की पॉलिटिक्स चल रही है, जिसको आज पानी नहीं आया तो कल आ जाएगा जी, ऐसे कौन सी बड़ी बात होगी, तो वही वाला हिसाब है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि इंग्लैंड को जो पाकिस्तान में ये तीन टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, जैसा अभी कुणाल बता भी रहे थे बड़ा ही कैटेगोरिकली कि भले ही डेट्स बिल्कुल ना पता हो कि हाँ इस डेट से इस डेट तक मुकाबला होगा, लेकिन एक टेंटेटिव फिक्चर आप
टूर्नामेंट का पहले से तय कर लेते हैं कि हाँ साहब हम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर फरवरी में ऐसा होगा, फिर मार्च में ये होगा, फिर उसके बाद हमारा डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ तय रहता है। बाकायदा इसके लिए एक सब कमेटी होती है बोर्ड में और वो सब कमेटी का काम ही यही है, साल भर वो यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते, उनको कुछ नहीं करना, उनको कोई टीम नहीं चुननी होती, उनको सिर्फ ये देखना होता है कि वो फिक्स्चर जो है वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना व्यवहारिक है। तो जो पहला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ उसकी तारीख आपको बताते हैं, 7 अक्टूबर से वो सीरीज का पहला टेस्ट मैच जो है वो प्रस्तावित था। 3 टेस्ट मैच की सीरीज है, मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में ये तय हुआ था कि ये टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, यानी एक मैच मुल्तान में होगा, एक टेस्ट मैच कराची में होगा और एक रावलपिंडी में होगा। पेच यहां फंस रहा है कि लाहौर और कराची में जो काम हो रहा है, जो रेनोवेशन का काम हो रहा है स्टेडियम्स में, यानी गद्दाफी स्टेडियम और कराची का नेशनल स्टेडियम, इन दोनों ही स्टेडियम में जो काम चल रहा है वो बड़ा काम है, यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ तोड़फोड़ हो रही है, बहुत सारा रेनोवेशन वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। और इसीलिए जो एक टेस्ट मैच को यूएई में कराने की जो बात चल रही है वो इसीलिए हुई है कि 2 टेस्ट मैच तो हम अपने यहाँ करा लेंगे लेकिन एक टेस्ट मैच हम ऐसा करते हैं यूएई में करा लेते हैं। और अभी कुणाल बता रहे थे कि यूएई की अपनी दिक्कतें हैं, यूएई को अभी अपना T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप कराना है, उसके लिए भी कोई ऐसा नहीं कि उनके पास भी इफ़रात स्टेडियम है और वो कोई एक स्टेडियम दे देंगे, पहले उनको अपना घर सिक्योर करना है, पहले उन्हें अपनी मेज़बानी सिक्योर करनी है, पहले उन्हें अपना एक अच्छी मेज़बानी, अच्छा मेज़बान बन के दिखाना है, तो वो भी कोई इस तरह का फैसला नहीं लेंगे जहां पता चला कि अपना ही काम फंस गया दूसरे की मदद करने के चक्कर में। तो मामला अभी रायता अभी यहां भी हर तरह से जैसे पाकिस्तान में रायता फैलता है वैसे फैला हुआ है। कुणाल अभी आपने एक बात कही उस पर मैं सवाल भी पूछना चाहता हूं, ये वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो भारत अगर एक मैच खेलने पाकिस्तान नहीं जाता तो ये दुनिया भर का ड्रामा कर देते हैं कि जी हम ये नहीं खेलेंगे, हम वो नहीं खेलेंगे, भारत के यहां नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। आपके यहां टीम आ रही है और आप उसको होस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता मुझे लगता है। नहीं, इससे ज्यादा होगा वो अभी हम एंटिसिपेट कर लेते हैं। अच्छा, वो ये होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी तो जो आप ये स्टेडियम्स के काम देख रहे हो उनकी पोल खुलेगी, वो वक्त पे पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे और कैसे हो पाएंगे ये भी एक सवाल होगा और ये आएगा। मतलब ये हम आज बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको लगे कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, मगर ये सिचुएशन 100% आएगी जो मुझे लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान में काम होता है या जिस तरीके से वो चलते हैं। डेट थोड़ी सी मैं मेंशन कर देता हूँ, वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है, बेसिकली बांग्लादेश में प्रपोज था मगर बांग्लादेश में जिस तरीके की डिस्टर्बेंस चल रही है तो यूएई में ले जाया गया। 3 से 20 अक्टूबर तक जो है वो खेला जाएगा और 7 अक्टूबर से ये सीरीज शुरू हो रही है जो अभी आपने तारीख बताई। तो फिर कहाँ पर आप कराओगे जी? एक एवेन्यू जो बचता है वो अबू धाबी का बचता है क्योंकि शारजा और दुबई में मैचेस जो है वो स्लॉटेड हैं, तो अबू धाबी आप एक मैच करा सकते हो। बाकी फिर मैचेस के लिए आपको जो है यहां पर आना पड़ेगा, रावलपिंडी में आना पड़ेगा कि भाई वहां पर करा लिया जाए। तो इस तरीके का है। और आपके सवाल पे आ गए कि भाई अब अगर जिस तरीके से इनका चल रहा है भाई ये स्टेडियम्स का और ये सब का, स्टेडियम्स पे एक बात और बता दूं सर, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भाई स्टेडियम्स को लेकर ना अब स्टेडियम को बेचा जा रहा है। एक होता है ना जैसे भाई मेट्रो स्टेशन होता है उसका नाम आपने किसी को लीज पे दे दिया 5 साल के लिए किसी कंपनी को, किसी बड़ी कंपनी को, तो उस तरीके से स्टेडियम्स के नाम जो है ना वो 5 साल के लिए बेचे जा रहे हैं। अब वो नेशनल स्टेडियम की जगह XYZ बैंक नेशनल स्टेडियम जो है ना इस तरीके से कहलाएगा, उससे पैसे जुटाने की कोशिश की जा रही है, जहां से थोड़े पैसे मिल जाए, जहां से भी कुछ रकम आ जाए ताकि एक फेस सेविंग हो जाए। ये बात सही है कि भाई आप जो है इंडिया को बोलते हो कि भाई जब वो नहीं आएंगे तो भाई हम वहाँ पर नहीं जाएंगे और हम ये नहीं करेंगे, हम ICC में आप दरवाजे खटखटाते हो, आप मीटिंग्स के अंदर अपनी बात जोर शोर से रखते हो, मगर ये चीज़ें तो तब करनी चाहिए ना जब आपका खुद का पीछे बैक सॉलिड हो, वो है नहीं। आप अपने यहाँ पर अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अच्छे से ना करा पाए जो खुद सवालों के घेरे में है। अभी जितने भी एक रिपोर्ट मैं उस दिन देख रहा था कि जो टेरर अटैक्स होते हैं छोटे छोटे, वो टेरर अटैक्स इस साल सबसे ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कितना दूर है अगर आप देखें, 600-700 किलोमीटर कुछ स्टेडियम्स जो हैं पाकिस्तान के, अगर वो खैबर पख्तूनवा इलाका और वो सब कुछ को बात कर लो तो भाई अभी आपका खुद का हिसाब किताब तय नहीं है। आपको तो लोगों से मेल मिलाप करके चलना चाहिए, अगर आपके हिंदुस्तान से रिश्ते अच्छे होते तो यहाँ पे आपको 2 स्टेडियम मिल जाते, मिलते नहीं अफगानिस्तान को क्या? बिल्कुल ठीक है, अभी हो ही रहा है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के अंदर
अफगानिस्तान न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप श्रीलंका से भी आपको भिड़ना है, आपको नेपाल को तवज्जो नहीं देनी है, आपको जी बस ये यूएई पे आप टिके हुए हो तो फिर टिके रहो, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है कि रावलपिंडी के अंदर वो रेनोवेशन नहीं चल रहा, नहीं तो आप फिर मैचेस कहाँ लेके जाते, फिर खैबर पख्तूनवा ही ले जाना पड़ता। नहीं, रावलपिंडी में भी चल रहा है लेकिन वहाँ थोड़ा कम चल रहा है, अभी आएंगे उसकी भी खबर आपको बताएंगे कि रावलपिंडी में क्यों नहीं खेलना चाहते। खैर, अभी जो कुणाल कह रहे थे ना कि आईसीसी की जब आपको मेज़बानी मिली है किसी टूर्नामेंट की तो वो कितने साल बाद मिली है, 1996 के बाद मिली है। ये भी खबर आपको बताते हैं कि 1996 यानी लगभग 28 साल बाद एक बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है और उसकी जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। कुणाल जो बता रहे हैं बहुत लॉजिकल बात है कि अभी स्टेडियम में निर्माण कार्य तो जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ इसका भी जुगाड़ चल रहा है कि थोड़े पैसे आ जाएं ताकि वो निर्माण कार्य जो हो रहा है उसका पेमेंट भी तो कर दें, वरना पेमेंट कहां से आएगी, पेमेंट देने के लिए भी तो दिक्कतें रहती हैं पीसीबी में, पीसीबी का पैसा तो पीसीबी के अधिकारियों के लिए होता है, बाकी काम काज के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। और इस टीम के पास कभी कभी ऐसी भी खबरें आती हैं कोई स्पॉन्सर नहीं होता, कभी इस टीम के मैचेस का कोई ब्रॉडकास्ट करने वाला नहीं होता, तो इसलिए भी हमने कहा ना कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में आफत ही आफत है। और अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कि जो मेज़बानी मिली है वो 1996 के बाद मिली है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्शन है वो लाहौर में ज़्यादा है, इसलिए लाहौर में ये तय किया गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोई मैच नहीं खेला जाएगा, पूरा का पूरा रेनोवेट कराएंगे, जो भी वहाँ पर ज़रूरतें हैं उसको मरम्मत की उसको बिल्कुल एकदम मुकम्मल करेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब वो कितने अच्छे से होगी इस पर कुणाल को भी शक है और बाकी बैठे हर किसी को शक है, क्योंकि वो तब उसकी एक नई पोल खुलेगी, एक नई कहानी सामने आएगी। कराची को लेकर यह तय हुआ था कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले साल की शुरुआत में एक टेस्ट मैच कराने के लायक हो जाएगा स्टेडियम तैयार और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले हो जाएंगे। लेकिन इस बीच जो कुणाल अभी कह रहे थे ना कि पीसीबी के चीफ गए, उन्होंने वहां जाके फोटो भी खिंचवा ली, वो फोटो तो खिंचवा ली, साथ ही साथ अपने पुराने वाले निजाम पर उंगली उठाते हुए ये भी कह दिया कि ये कैसे स्टेडियम है, यहां तो सीट नहीं है, यहां तो बाथरूम नहीं है और मैच देखने पे ऐसा लगता है जैसे आप आधा किलोमीटर दूर से मैच देख रहे हो, यहां तक उन्होंने कह दिया। मतलब अपने ही सिस्टम पे उन्होंने सवाल उठा दिए। और जो स्थिति है वो ये कि मुल्तान और रावलपिंडी ये जो दोनों स्टेडियम हैं, जो अभी तो रावलपिंडी में जो मैंने कहा थोड़ा बहुत काम चल रहा है वहां मैचेस हो सकते हैं, लेकिन वहां दो टेस्ट मैच कराना चाहती नहीं है पाकिस्तान की टीम, क्यों नहीं चाहती उस पर बात कर लेंगे। लेकिन ये जो कहानी है 1996 के बाद 28 साल बाद आपको, अभी जो आप बात कह भी रहे थे 28 साल बाद आपको मेजबानी मिली है और अभी जो स्थिति लग रही है, और आप अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दे रहे थे जी, भारत ऑलरेडी लगभग तय है नहीं जाएगा, स्टेडियम्स की हालत आप देख ही रहे हैं, ये तो सारा का सारा जो घटनाक्रम है, आतंकवादी हमलों का जिक्र आपने जोड़ ही दिया, तो ये तो सब माइनस में जा रही है चीजें बिल्कुल। और क्या आप ऐसा देखते हैं कि अगले एक महीने डेढ़ महीने में ये इतने माइनस में चली जाएं कि जो हालत अभी बांग्लादेश से उठाकर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को शिफ्ट करना पड़ा UAE, क्या कहीं ऐसी भी सूरत बन सकती है क्या कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और ले जाकर शिफ्ट करना पड़ जाए? और उसमें सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि भारत नहीं जाएगा, और भी बहुत सारी वजहें हो, स्टेडियम तैयार नहीं है, जो तैयार है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी जब तैयार हो जाएंगे तो आपको सबसे NOC भी लेना होगा, इंस्पेक्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ICC अपनी टीम इंस्पेक्शन के लिए भेजेगी, जो दुनिया भर की टीमें वहां पर आएंगी वो अपने जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर्स जिसे भेजते हैं वो भेजेंगे कि भाई वो ऑब्जर्वर्स आएंगे, वो देखेंगे भाई सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजाम है, कितने लेयर की सिक्योरिटी है। अगर हमारे यहां से फैंस आते हैं, ट्रैवल करते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो करते हैं फैंस, ठीक, वो कहां पर बैठेंगे, उनका सुरक्षा का इंतजाम कैसा है, होटल कितने पर्याप्त हैं, सुरक्षा कैसी है, आगे पीछे जो है कितने हमले यहां पर हुए हैं, नहीं हुए हैं, कितनी जाने गई हैं शहर के अंदर, इस कारण से ये सारा एनालिसिस किया जाता है, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद जो है ICC को भी वो रिपोर्ट जाती है, ICC भी संज्ञान लेगा ना, उनको अपना टूर्नामेंट फेल थोड़ी ना कराना है, उनको अब थोड़ी ना पैसे मांगते फिरना है कि वही पाकिस्तान वाली सिचुएशन में आ जाएं कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं। अभी उन्होंने एक T20 वर्ल्ड कप कराया अमेरिका में, वो एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट उनको फाइनेंशियली उतनी अच्छी तरह नहीं फला है, वो बैक टू बैक इस तरीके के टूर्नामेंट्स ICC भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई वहां पर जो है आपको कुछ मतलब स्पॉन्सर्स उस तरीके से ना मिले, क्रेज उस तरीके का ना हो, आपको TV पे वो टूर्नामेंट अच्छे से ना दिखे। अभी पाकिस्तान के अंदर जो मैचेस हुए कोई नहीं आया, फ्री टिकट कर दी, फिर भी लोग देखने नहीं आ रहे थे, तो ये तो हालात हैं, तो मुश्किल हो सकती है। और इसमें कोई नई बात नहीं होगी अगर ये हो जाए तो, मतलब जो आप बोल रहे हो कि भाई वहां पर कि भाई ये सवाल खड़े होने लग जाए जैसे जैसे आए कि भाई अब तो यहां से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट करो, हो सकता है कि भाई BCCI ये आवाज उठाए, हो सकता है कुछ और बोर्ड्स ये आवाज उठाए, अगर ऐसी आवाज कुछ और बोर्ड्स ने उठा दी, लेट से इंग्लैंड ने उठा दी, इंग्लैंड के बोर्ड ने उठा दी या ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने उठा दी, फिर गेम ओवर, उसके बाद आप क्या कर लोगे, इंडियन टीम आ नहीं रही,
ऑस्ट्रेलियन टीम ने मना कर दिया, आप किस चीज की चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर करवा रहे हो? फिर अच्छा है तो वो तो शिफ्ट ही हो जाए फिर तो। फिर आईसीसी भी, आईसीसी को, मेरे को तो लगता है कि आईसीसी को बहाना मिल जाएगा कि भाई फिर तो वो यही कहेंगे कि भाई हमने आपको दे दिया था, आप एक फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी, आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, आपके स्टेडियम्स, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू दी मार्क नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न्स और वो सारी चीज़ें देखकर। और हालात पाकिस्तान में उसी तरीके के हैं, क्रिकेट को उतनी तवज्जो मिलती है, मगर पिछले दिनों कितने लोगों ने कहा, मतलब हमने भी अपने शो में चलाया कि भाई अब क्रिकेट को लोग उस तरीके से जो है फॉलो नहीं कर रहे, उतना दिमाग नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि भाई आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, टीम जीत नहीं रही, टीम के बुरे हाल है। और इस इन सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आपको और दे देता हूँ, टीम का हाल ये है कि टीम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने हैं जो हर जगह मिलते हैं, हर देश देता है अपने खिलाड़ियों को, उन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले मोहसिन नकवी साहब ने एक फतवा सा जारी कर दिया एक तरीके से। उन्होंने बोला है कि भाई अब जो है पहले होंगे फिटनेस टेस्ट, 8 तारीख तक फिटनेस टेस्ट होंगे सभी प्रोबेबल खिलाड़ियों के, जो फिटनेस टेस्ट में पास होगा उसको मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और फिटनेस टेस्ट कौन लेगा? गैरी कर्स्टन लेंगे जी, और कोई नहीं लेगा कि आपने खुद का कोई ट्रेनर वहाँ लोकल जो है उसने कर लिया और आपको टेस्ट में पास कर दिया। तो इस तरीके के हालात हैं, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड बुरे हालात हैं, और चीज़ें जैसे आप गिना रहे हो वो एक एक करके वो जुड़ती चली जा रही हैं, और अगर उस पर स्पीड ना पकड़ी, अगर पैसे नहीं आए तो फिर मुश्किल और बढ़ेगी। बिल्कुल मुश्किल और बढ़ेगी। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि मतलब अभी लोग स्टेडियम टिकट मुफ्त करने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, लोग कम पसंद कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, बासित अली कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो स्थिति हो गई है उसमें लोग क्रिकेट से नफरत करने लगे हैं, ये उनका स्टेटमेंट है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के एक्स प्लेयर कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये टूर्नामेंट आईसीसी का है कुणाल, ये नहीं भूलना चाहिए, अगर इस टूर्नामेंट में कुछ भी 19-20 हुआ तो फिर उसके लिए पाकिस्तान की तरफ कोई उंगली नहीं उठाएगा, उंगली उठेगी आईसीसी की तरफ। और आज हम बैठे हुए हैं सेप्टेम्बर के महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी इस साल के 3 महीने ही रह गए, तो इसलिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया मना कर दे या इंग्लैंड मना कर दे, मुझे तो डर है कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ही कहना पड़ जाए कि हम नहीं करा पाएंगे। भाई जब अभी तो क्या है, अभी देखिए अभी इस खबर के मायने जितने बड़े हैं वो नहीं समझ में आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी एक एक, एक द्विपक्षीय बायलेटरल सीरीज है। आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले अगर आप कह देंगे कि साहब हम सोच रहे हैं 4 मैच बाहर शिफ्ट करा दें, तो आईसीसी नहीं कहेगा कि नहीं माफ करें आप 4 नहीं पूरा टूर्नामेंट दे दें, हम कहीं और होस्ट करा देंगे। यहां तो चूंकि सिर्फ इंग्लैंड और पाकिस्तान की बात है इसलिए कहानी उतनी ज्यादा अभी मतलब रायता उतना नहीं फैला है। खैर, अब मैं आपको लगातार बार बार कह रहा था कि रावलपिंडी में मैच क्यों नहीं खेलना चाहते, उसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह का खुलासा करते हैं। पहली वजह तो साहब ये है, अभी बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैच खेले पाकिस्तान ने, और हुआ क्या, ये नतीजा सबके सामने है। विकेट अपने मन की बनवाई, फास्ट विकेट बनवाई, 28 साल में पहली बार पहला टेस्ट मैच बगैर स्पिनर के खेल लिया, दूसरे टेस्ट मैच में स्पिनर भी खिला दिया, बावजूद इसके पहला टेस्ट मैच हारे 10 विकेट से और दूसरा टेस्ट मैच हारे 6 विकेट से। इस बात की आप कितनी संभावना देखते हैं कुणाल की पीसीबी को जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कह दिया हो, कोच ने कह दिया हो कि अगर आप करा भी सकते हो रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैच तो हम नहीं खेलेंगे, यहां तो हारना ही हारना है, जब बांग्लादेश ने हरा दिया तो इंग्लैंड से कहां बच पाएंगे। अगर यही कह दिया हो तो उसके बाद तो फिर ऐसा है कि आईसीसी को इनका फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन ही लेना, जो T20 ही खेलना चाहता है उसको फिर T20 ही खिलाया जाए, कि फिर उसको टेस्ट मैचेस खिलाने के लायक ही नहीं है अगर वो अपने घर पर इस तरीके की बात बोलते, तो हथियार डालने जैसा है, मैदान में उतरने से पहले ही आप अपने हथियार डाल दो उस तरीके का। मगर पता नहीं वो कहा है कि नहीं कहा है, मगर ये ज़रूर है कि अगर रावलपिंडी में टेस्ट मैचेस होते हैं तो इंग्लैंड का होमवर्क जो है वो अपना पूरा रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सारी ओनर्स जो है ना वो पाकिस्तान पे है। मुश्किल में नज़र आ रही हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा ही, अगर आप खिलाड़ियों के लिहाज से भी देखो, कॉन्फिडेंस जो है ना बॉटम पे आ चुका है कि भाई वो बॉटम छू चुका है अपना, कि वो उससे और नीचे क्या ही जाएगा। अब आपको यही नहीं पता कि आपके टेस्ट मैचेस होने क्या, आप टीम क्या चुनोगे, किस तरीके से चुनोगे, क्या वहाँ पर पिचेस बनवाओगे, किस तरीके से करोगे, बहुत मुश्किल है। ये पिचेस भी अपने हिसाब से बनवाई गई थी जहाँ पर ये सब चीज़ें हुई, तो मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए तो और मुश्किल स्थिति है। WTC की इस अब इस बांग्लादेश सीरीज से पहले बड़ा एक अच्छा शगुफा छोड़ा गया कि भैया 9 में से 7 टेस्ट मैच जीत जाएंगे, WTC का फाइनल खेल रहे, अब तुम टेस्ट मैच आयोजित नहीं करवा पा रहे हो, जीतने की तो बात दूसरी है, मतलब वो तो बहुत बाद में आएगी, तुम बांग्लादेश से हार जा रहे हो, वो भी मतलब वाइट वॉश, ठीक है 10-10 टेस्ट मैच से आपने जीत नहीं देखी अपने घर के ऊपर, तो पहले तो अपना घर थोड़ा सा ठीक कर लो, जहां पे इज्जत बचे, थोड़ी सी साख बचे, कुछ आप जीत पाओ, कुछ कर पाओ। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है सर, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में ना अपना शब्द ना धीरे धीरे ना कम पड़ते चले जा रहे हैं कि मतलब इनके बारे में क्या ही बोल दिया जाए, क्योंकि अब वहां पे जो जनता है वो लैंग्वेज हम यूज कर नहीं सकते जो वहां पर पूर्व क्रिकेटर्स यूज कर देते हैं टीवी पे आके, या फिर जनता यूज कर देती है, या यूट्यूब चैनल्स यूज कर देते हैं, वो सभ्यता यहां पर है नहीं। मगर ये है कि
हाँ, दयनीय स्थिति जरूर है। और इससे उभरे कैसे? मुझे तो लग रहा है कि जेसन गिलेस्पी अपनी गर्दन पकड़ रहे होंगे कि मैंने कहाँ आ गया मैं और क्यों ही आ गया मैं। बिल्कुल, और लोग नहीं जुड़ना चाहते, कोचेस छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अपना नाम आप नहीं खराब करना चाहते। और इसीलिए बार बार मुझे जो शंका है या जो मुझे आशंका है वो यही है कि ICC भी अपना नाम क्यों ही खराब कराना चाहेगी। भाई क्रिकेट की पूरी दुनिया में क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्थाएं, कोई ऐसा नहीं कि कोई एशिया या कोई किसी एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है आपको, और तब जबकि आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि आप दुनिया में क्रिकेट को और विस्तार दे सकें। आपने अमेरिका में क्यों कराया टूर्नामेंट? इसीलिए तो कराया T20 वर्ल्ड कप जैसा लोकप्रिय टूर्नामेंट कि चलो अमेरिका में भी थोड़ी सी रूट्स बढ़ें, थोड़ा सा और खेल का विस्तार हो। ऐसे समय में आप कोई भी, मतलब ICC तो चलिए बहुत बड़ी संस्था है, कोई भी संस्था इस तरह का रिस्क नहीं लेगी कि एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें दुनिया की, जिसको भाई मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है, मिनी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप दुनिया की सारी टीमों को आमंत्रित कर लें और उसके बाद पता चला कि स्टेडियम से पानी टपक रहा है या कुर्सियां टूट रही हैं या कुछ हो रहा है, कोई रिस्क नहीं लेगा। और जो आपने बताया बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे पूरा का पूरा सब कुछ ग्रीन सिग्नल देने से पहले टीमों के रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, वो जाकर चेक करेंगे। उसके अलावा कोई भी स्टेडियम बनता है ना कुणाल, आप भी जानते हैं, फायर की NOC, वाटर NOC, यानी जो पूरा जो लोकल महकमा होता है, याद है आपको DDCA में जब मैच होना था 2005 में जब पाकिस्तान की टीम आई थी, DDCA में रेनोवेट हो रहा था, कितना बवाल हो गया था, लास्ट में जाकर दिल्ली से सारे NOCs मिले थे, क्योंकि एक स्टेडियम जब तक सुरक्षित नहीं है, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए आतंकवादी हमले को, लेकिन जब तक स्टेडियम में 30-35-40 हज़ार लोग बैठ के मैच देख रहे हैं और उसका प्रॉपर इवैक्यूएशन से लेके सब कुछ सिस्टम आपका ठीक नहीं है, तब तक आप उसमें मैच नहीं करा सकते, और अभी तो बना ही नहीं है, तो NOC की तो बात ही छोड़ दीजिए। चलिए, एक और वजह है, रावलपिंडी में एक और इवेंट होना है जिसकी वजह से रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैच कराने की संभावना नहीं है। वो इवेंट क्या है? वो ये है साहब कि शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक भी है रावलपिंडी में, और इसमें जो SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य देश हैं उनके नुमाइंदे आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल के लोग होंगे जो रावलपिंडी में ही होंगे। और ये जो बैठक होनी है ये 15 और 16 अक्टूबर को ही होनी है, यानी उसी समय जब रावलपिंडी में टेस्ट मैच, अगर दूसरा टेस्ट मैच जो है वहां खेला जाए तो वहां पर प्रस्तावित है। तो इसलिए रावलपिंडी, अब एक तरफ ये बैठक, दूसरी तरफ मैच, अब घूम फिर के आप आ जाइए सुरक्षा का मुद्दा, यानी जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं रावलपिंडी में, जो भी सिस्टम है वो सिस्टम पूरा का पूरा, वो सुरक्षा का महकमा तो लग जाएगा SCO की ये जो बैठक है उसकी देखरेख में, तो फिर मैच की सुरक्षा कहां से होगी? तो ये भी एक इशू है, ये भी एक कंसर्न है कुणाल, कि भाई आपको अगर मैच कराना है, मैच के लिए जो आपको वाजिब सुरक्षा इंतजाम करने होते हैं, अब आपके पास मान लेते हैं 10 ही लोग हैं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, और 10 में से 8 की जरूरत वहां पर है जहां पर SCO की बैठक हो रही है, और वहां पर अलग अलग देशों के बड़े बड़े नुमाइंदे आए हुए हैं, बड़े हाई प्रोफाइल लोग आए हुए हैं, 8 लोग वहां चले गए, 2 से तो आप मैच करा नहीं पाएंगे, ये भी एक वजह हो गई। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि प्लानिंग के लेवल पे कितनी कितनी जो है वो लूप होल्स हैं। बाकी छोड़ दीजिए, इसमें तो कोई, मतलब जैसे हो सकता है कोई कह दे कि साहब हिंदुस्तान के लोग हैं इसलिए कमी निकाल रहे हैं, ये कमी नहीं निकाल रहे, तो प्लानिंग के एंड पे फेल्योर है ना। और ये तब है जब PCB जो है वो सरकार के अंडर आती है। बिल्कुल, ऐसी नहीं कि वो ऑटोनॉमस संस्था, उसने अपने आप कोई फैसला ले लिया, सरकार ने बाद में जो है ये कर दिया कि भाई यहाँ पर तो SCO की मीटिंग होने वाली है, हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। इंडिया में हुआ है कि भाई अगर IPL के दौरान भाई चुनाव होने हैं, हम नहीं सिक्योरिटी दे पाएंगे, भाई IPL बाहर लेके जाया गया, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। मगर ये फेलियर तो है ही कि अगर आपकी एक विंग ही है ना एक तरीके से PCB पाकिस्तान सरकार का, तो आपको कैसे नहीं पता था, कैसे नहीं कोऑर्डिनेशन था ये सब कुछ। अब ये एक SCO मीटिंग जो है सर, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्विटेशन आया है, एक कह सकते हो आप विंडो जो है ना वो पाकिस्तान ने खोलने की कोशिश की, हालांकि वो होगा नहीं क्योंकि उसके अलग कारण है, वो नहीं जाएंगे। पिछली बार भी जो SCO की मीटिंग हुई थी उसमें डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया गया था विदेश मंत्री को, इस बार वो भी शायद ना हो कि भाई इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव भी ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से भी PCB के अधिकारी जो है वो इसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे थे कि अगर कोई इंडिया से आ गया मिनिस्टर ठीक लेवल का, तो फिर हम इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे कि भाई चलो भाई मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ है, वहां पर बात करेंगे कि भाई यहां पर जो है टीम का भी दौरा हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही हो जाए, बायलेटरल सीरीज ना खेलने आओ भाई, जो ICC का इवेंट है वो ही खेलने आ जाओ। वो अपॉर्चुनिटी भी यहां पर मिस होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपने उसको भी ठीक से हैंडल नहीं किया है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना आपस में कम्युनिकेशन है, आपका खुद को ही नहीं पता है कौन सी चीजें कहां पर हो रही हैं, तो मुश्किल स्थिति है। SCO की मीटिंग एक बड़ी मीटिंग होती है, मेजरली इसमें सब चाइना का जो है
वो करता धरता है, और उनको आप नाराज़ नहीं कर सकते। आपको जो ये स्टेडियम्स के जो जितनी भी चीज़ें मिलती हैं या जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चीज़ें पाकिस्तान में ज़्यादातर आती हैं, 90% जो है वो चाइना से आती हैं, तो आप वहाँ पर नाराज़गी नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको पूरा चाक चौबंद सुरक्षा रखनी है, वो आपकी प्रायोरिटी है। क्रिकेट मैच आपकी प्रायोरिटी उस समय नहीं होगा। तो क्या इंग्लैंड अपनी टीम को वहाँ पे सुरक्षित महसूस करेगा कि भाई उनको उस तरीके से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही? बहुत सारे सवाल हैं। सवाल आप जितने मर्जी मतलब गिनते चले जाएं, लिखते चले जाएं, सवालों का कोई अंत ही नहीं है। एक से एक सिरा जुड़ता चले जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल बड़ी है, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं मतलब वो कैपेबल इनफ नज़र नहीं आ रहे इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वो ऑरा ही नज़र नहीं आ रहा, वो तो वो लोकल पॉलिटिशियन नज़र आ रहा है कि भाई ठीक है जी, फायर का एनओसी चाहिए, जो अभी आप बात कर रहे थे मैंने उसमें बोला नहीं, वो तो चलो भाई तुम्हारे देश का मसला है, तुम जब मर्जी दिलवा दोगे ठीक है, वो तो उसका इंटरनेशनल लेवल पे तो चेक होगा ही होगा, वो तो सारे ऑब्जर्वर्स आके चेक करेंगे ही करेंगे, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कहने के लिए आप कुछ भी दिलवा दोगे तो आपका ये घर का मसला नहीं है कि आप कुछ भी कैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी करा दोगे। आपको उसके लिए प्रॉपर चीज़ें इन प्लेस रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि उसको 10 जगहों से टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद होगा। अगर आप पिचेस भी नहीं बनाने की सोच रहे हो तो जैसे अमेरिका में देखने को मिला कि वो पिचेस सेटल ही नहीं थी, उनको 6-6 महीना सेटल होने में लगता है नई पिच को। वो सारी चीजें प्लानिंग उस लेवल तक की होनी चाहिए। जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हुआ तो प्लानिंग उस लेवल की थी, ऐसा नहीं था कि भाई वो पिच जो है वो अनइवन बाउंस है या उसमें कुछ जो है फंस रहे हैं, रन नहीं बन रहे। सब चीजें पहले से प्लान की जाती है, सॉर्टेड की जाती है, और आईसीसी स्टेप बाय स्टेप उसको देखता रहता है। बिल्कुल, और हम लोग तो थर्ड पार्टी की तरह से बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जितने मर्जी सवाल जोड़ लो, वो जितने भी सवाल हम जोड़ रहे हैं हमारा कोई स्टेक नहीं है वहाँ पे। स्टेक किसका है? पाकिस्तान एक पार्टी है भाई, मैच उसको खेलना है। दूसरी पार्टी है इंग्लैंड जिसको आना है। अब इंग्लैंड के जो कोच है ना, वो तो बाकायदा भाई एक पार्टी हुए, उनको खेलना है जाकर, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने जो अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं उसमें मैच से पहले उनसे पूछ लिया गया ये सवाल कि भाई ऐसे चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच जो है वो कहीं और वो खेलेंगे। तो ब्रैंडन मैककलम, जिनके नाम पर पूरा का पूरा एक नए किस्म का क्रिकेट ही शुरू हो गया, वो बैज बॉल, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। वो बिल्कुल एक तरीके से अल्टीमेटम दे रहे हैं पीसीबी को, और वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हमें किस जगह पर मैच खेलना है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कहाँ खेलना है, हम टीम कैसे चुनेंगे। अच्छा होगा अगर हमें ये जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए, तभी जाकर हम सही टीम का चयन कर पाएंगे। तो ये जो तीसरा वाक्य है ना कि अच्छा होगा हमें ये जानकारी जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये एक तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वहाँ के जो वो आप बता रहे थे कि फिक्स्चर कमेटी होती है उसके जो भी कर्ता धरता है उनको उन्होंने कह दिया है कि भैया बता दो, नहीं तो फिर हमने अगर टैंट्रम दिखाना शुरू कर दिया ना तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि क्रिकेट वैसे भी मतलब इंग्लैंड हाई प्रोफाइल टीम है, बहुत सारे टैंट्रम्स वो वैसे भी दिखाती रहती है। अगर उसने ये दिखा दिया कि भाई साहब आपने हमें बताया ही नहीं सही समय तक कि मैच हमको खेलना कहाँ है, हम तो नहीं आ रहे, या हम नहीं खेलेंगे सीरीज, या हम यहाँ नहीं खेलेंगे, वहाँ खेलेंगे, वहाँ नहीं खेलेंगे, वहाँ खेलेंगे, अगर अब उन्होंने नियम शर्तें रखना शुरू कर दी तो वो जो थोड़ी बहुत बची है उम्मीद ना पाकिस्तान की, वो भी मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। बेहतर होगा आप जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट करें, अगर मैच बाहर खेलना है तो वो भी तय करें और जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करें। बिल्कुल जी, वेन्यूज तो सेट करने ही पड़ेंगे ना आपको, दूसरी टीम उसी हिसाब से अपनी 15 चुनेगी, कोई वो 25 खिलाड़ी तो ले नहीं आएंगे। अगर यूएई में मैचेस है तो इक्वेशन बदलते हैं, अगर रावलपिंडी में मैचेस है जहां पर देख लिया कि भाई स्पिनर का उस तरीके का रोल नहीं रहता तो आप अलग तरीके से सोचते हो। पाकिस्तान का सरजमी अलग है, यूएई की अलग है, तो ये सारी बातें होती ही हैं। और ब्रैंडन मैककलम बिल्कुल ठीक है अपनी अपनी जगह पर, वो बिल्कुल गलत नहीं है, उनको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। और उन्होंने अपनी ये बात, ये कंसर्न जो है वो ईसीबी को भी जाहिर कर दिया होगा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, कि भैया इस तरीके का मामला है, आप तो कैसे हम टीम चुने, क्या बात करूं मैं, किस खिलाड़ी के ऊपर जो है जीरो इन करूं, किसको बोल के रख दूं कि भाई आप पाकिस्तान चल रहे हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। तो ये सारी बातें बोल दी होंगी, ईसीबी अपना कंसर्न जो है वो सही वक्त पे जाहिर करेगी। और जैसा आप बोल रहे हो कि अगर उन्होंने एक भी क्वेश्चन मार्क उठा दिया कि भाई आप हमको बुला रहे हो, होस्ट करना चाह रहे हो और हमको, और आपका कुछ अता पता ही नहीं है कि आप हमको कहां पर होस्ट करोगे, कैसे होस्ट करोगे, तो फिर तो दिक्कत है, फिर हम नहीं आएंगे, और या नहीं आएंगे तो फिर आप बता दो भाई कहां पर सीरीज खेलनी है, हमारा मन होगा तो हम वहां पर वो सीरीज खेल लेंगे। इससे नुकसान ईसीबी का कुछ नहीं होना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड किसी को अपने यहां पर बुला लेगा, मैचेस खेल लेगा, हंसी खुशी कोई जाके जो है लॉर्ड्स के मैदान में खेल लेगा। पाकिस्तान को जो रेवेन्यू जनरेट होना है, जो एक एक पैसा उनके लिए अब मायने रखता है, वो पैसा का नुकसान हो जाएगा, प्लस जिसको ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए होंगे
अगर दिए हैं तो, अगर वो पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग राइट बिक गए जिस पे भी सवाल है, तो वो भी आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई आपने हमसे पैसे ले लिए, एडवांस ले लिया, अब जो है आप बताओ हमको कहाँ पर ये सीरीज़ होगी, कैसे होगी, हमने आगे जो है सबलीज़ कर दी है चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जितना लेट होता जाएगा उतना पीसीबी के अधिकारी फंसते चले जाएंगे, उतना पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। मगर मुझे लगता है कि उनको मैटर करता है क्या ये? हर कोई तो यही सोच के आता है कि मेरे 2 साल कट जाए, मेरे 1 साल कट जाए, मेरा ये चैंपियंस ट्रॉफी तक मामला किसी तरह बैंक बैलेंस बढ़ जाए, थोड़ा सा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, 2-4 और मैं चीज़ें जो है वो सबलीज कर दूँ। मुझे तो लगता है ना, एक और मैं, ये मेरी तरफ से आइडिया है आपका कि भाई अगर आपको पैसे ही बनाने हैं ना, अल्टीमेटली तो यही है कि पैसा बनाना है, तो आप ऐसा करो ना, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नीलामी लगा दो। ठीक है, मिली हमको करा आप, भले नीलामी लगा दो, बोलो कि भाई आईसीसी ने हमको दिया, हम आगे दे रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। हम सबरीज कर रहे हैं, ऑक्शन हो गया ऑनलाइन, यहाँ पर भी आने की जरूरत नहीं है, लगाओ बोली, जो सबसे ज्यादा लगाएगा वो करा ले। हाँ बिल्कुल करा ले। मैं तो इतनी देर से आप बोल रहे थे, मैं सोच रहा था, एक बार अभी मुझे अचानक याद आया, एक बार बड़ा छोटा था मैं, मेरे ख्याल से 7-8 साल का रहा होऊंगा, और मेरा जन्मदिन था, तो मैं अपने घर के पास में एक पार्क था इलाहाबाद में, और उसके आसपास जो मेरे दोस्त थे सबको जाके मैंने इनवाइट कर लिया, ठीक है, कि आज मेरा बर्थडे है और शाम को आना, और मैंने घर में ही नहीं बताया बस। तो शाम को जब, वो तो अच्छी बात है कि एक पर्टिकुलर पार्क के पास कितने ही दोस्त रहे होंगे, 5-6, तो वो 5-6 लोग आए भी तो, और उस वक्त माता जी हमारी बड़ी मतलब उदार दिल से, उन्होंने देखा कि भाई छोटा बच्चा है, चलो बच्चे आए हैं, तो जो कुछ भी था वो सब खिला विला के बर्थडे मन भी गया। लेकिन ये मेरा बर्थडे नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें आपको सारे इंतजाम जो है ना बिल्कुल टाइमली पूरे कर रहे होंगे, वरना वहां पर जो है वो आफत आ जाएगी। चलिए खैर, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमेशा हम शो के अंत में कहते हैं, एक बार फिर यही कह रहे हैं, और साथ ही साथ आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपका कोई सुझाव है हमारे इन कवरेज को लेकर, हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने कवरेज में उसे ऐड कर सकें और आपके लिए और बेहतर प्रेजेंटेशन कर सकें। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, मुझे और कुणाल को दीजिए इजाज़त, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।